प्रिय दर्शक बंधु आम सिद्धार्थ भक्ति चैनल तरफ आपण मानक समस्त को कार्तिक मासर कार्तिक महात्म्य पठन उपलक्षे हार्दिक अभिनंदन। दर्शक बंधु एपर्यंत आम शुणुले चतुर्दश अध्याय वर्णना कार्तिक महात्म्य ग्रंथों ठारु एबे आज शुणा कार्तिक महात्म्य पंचदश अध्याय। सबुदिन भली आम सांगे अच्छा से श्रीमंदिर एक अनन्य सेवायत जे कि मान गोविंद आपट महोदय आसंतु आमे तांकरि ठारु कार्तिक महात्म्य श्रवण करि निजकु धन्य मने करिबा। मान गोविंद आपट महोदय मुनि कहंति राय सुन विष्णु समीपे देव गण तीन देवंक तीन मंजी बुणिले विष्णु नाम रंजी शीतल जल वृष्टि करि देव चलिले जे झापुरी एथु तारे विष्णु स्थाने वृक्ष अंकुरे पंच दिने अपूर्व शोभा तीनि द्रुम एवे कहिबा तांक नाम सुन राजन दिव्य ज्ञाने से वृक्ष त्रिगुण विधाने जे देवी अंश जे हूँ गुण वृक्ष विधाने ताहा सुन रज गुण रे सरस्वती ता अंशे धात्री उत्तपति तुलसी सत्व गुणे जात गहुरी अंशरे उदित रमा अंशरे तम गुणे मालती उपूजी लावने एवं तीन वृक्ष शोभा एकु अनेक मृति प्रभा विष्णु शनि देव नस्पति अपूर्व शोभा से दिशंति जीवन वृक्ष जे हूँ रूप ताहा कहिवा सुण नूप धात्री जे अंशे सरस्वती शुकल वर्ण तार ज्योति बतृल फल क्षुद्र पत्र जेहे वरुण दंड छत्र तेमं तदिशे तरु शोभा देखी गोविंद मन लोभा गहुरी अंशे वृंदावती तुलसी वृक्ष उत्तपति सात्विक गुण करि ध्यान रूपे होइला कृष्ण वर्ण तादल दुर्लभ मंजरी सुवासे विष्णु मन हरि तारे की लक्ष्मी तम अंशे मालती फूल रूपवासे उभय रही न पारिला अन्य स्थान रे आउ जिला एवं तो जोग माया बले त्रिविध रूप मही तले विष्णु समीपे वृक्ष तीनि जे जाहा गुण मान घेने एकुआरे को शोभाद्रुम नव पल्लव मनोरम सुगंध सुशीतल वाये उल्लास कले विष्णु काये विष्णु जे स्तंभीभूत होई वृंदा रूप कुप्थिले जाए अपूर्व वनस्पति देखी हरि मन रे हेले सुखे तक्षणे दिव्य रूप धरि रहिवा ठारु अवतरे धात्री तुलसी वृक्ष वेणी ताहंकु संगत रे घेने वैकुंठे विजे लक्ष्मीपति अरण्ये रहिले मालते विष्णु आगम अनुसरी मालती वने वास करी एवे असुण नरपति धात्री तुलसी वनस्पति सेवेनी वृक्षंक महिमा कहिवा सुणा पुण्यतमा विष्णु जे संगे घेने गले वैकुंठ भुवने मिलिले तारे की ब्रह्मादि देवे शिव सहित मिली सर्वे लक्ष्मी जे सिंधु देशे तिले तांक छामुरे सर्वे गले लक्ष्मी जे सिंधु देशे तिले तांक छामुरे सर्वे गले। दर्शक बंधु तीनोटी मुठी बीज नहीं जाते सर्वदेवता मान जेते नारायण सम्मुखें बा नारायण थिबा उपवन में सम्मुखें ताकु रोपण कले बपन कले से बीजर जो बपन है जहाँ मिले तीनोटी वृक्ष पांच दिन भितर से वृक्ष मिले तेणु पांच दिन भितर से वृक्ष जेते अंकुरी वृक्ष में परिणत होला से तुलसी मालती एवं अँला अँला जे कि सरस्वती अंशरु अर्थात तीन देवी अंशरु तीन मुठी बीज जाइला अँला जी सरस्वती अंशरु एवं गौरी अंशरु तुलसी एवं लक्ष्मी अंशरु हेले मालती ये तीनोटी वृक्ष को देखि भगवान निजर जो स्थाणु रूप थिला निजे जो स्थाणु हिसाब से थिले सेतिरु सांगे सांगे तांकर मन परिवर्तन होई से वृक्ष आड़क धाइले तीन वृक्ष को संगरे धरिले एवं विशेष भाव में मालती से रे अँला और तम गुण से अर्थात ये तीनोटी गुण कथा कहुई ची सत्व रज तम सत्व गुण से तुलसी रज गुण से होती अँला तम गुण से मालती तेणु ये तीन गुणर कथा कहुई ये तुलसी को सांगे धरी महाप्रभु वैकुंठ को जापर कौन है आसतु देखा सकल देवस्त्री मिली लक्ष्मी की कले नहीं उछाड़ी जोग माया को स्तुति करी वृंदा को आणिले उद्धरी कमला ध्वज रथे नहीं लक्ष्मी को से जाने बसाई सकल देव गण तुले वैकुंठ भुवन को गले विष्णु को कले दर्शन संतोष देखी प्रभु मन आनंदे सबूरी चित्त न मिले प्रभु
पादगत संतोष होई नारायण बोलंती सुण देवगण आंभे जे तुम्भ उपकार रहिलु जलंधर पुरे से दुष्ट नाश जीव जेणे आंभे प्रवेश हेबु तेणे तार घरणी वृंदावती सर्वलक्षण स्वाधिशति तार स्वधर्म फल घेनी दत्य जीणिला पुरतिनी आंभे ता जाणी हेलु तो सोता सती व्रत कलु नाश मायारे दुख देलु जेते से धर्म नोहे कदाचिते तेणु आम्भर मन मोह पर्वत प्राय हेला देह आपे आपणा कर्म मानि रही नथिलु देह घेनी तुम्बे सकल सुर लोके मो दुख देखि गुण शोके गुजोग माया कु स्तुति करी वृंदा कु आणिला उद्धरी से वृंदा मोर अपमाने झासी जे थिला उतासने मोर उपरे देई दोष निज शरीर करी ध्वंस से आत्मा अंतरिक्षे जाई त्रिगुणे तिनि भाग होई मने जे तकतम कला से भावे लक्ष्मी देह दे से तार रज गुण भाव सादरे अंगे देला ठाव सतिक भाव जेते होई गौरी अंगे संभाव ए अंत गुण तिनि भागे आत्मा जे थिले तिनि अंगे से पुणी जोग माया बळे अशेष जन्म पुण्य फळे विजय स्वरूपे जात होई क्रोध से स्थावर कु पाई जेणु ता पूर्वे दोष नाही तेणु मु अंगे थिवि वही एठी भगवान निज तुंडरे निजे कहते जे तार जिते धर्म थिला मु ताकु नाश कली जा नकरिबा कथा मु ताकु करछि माने जो कार्य केबे केही सुनी नाहंती देखी नाहंती जानी नाहंती ताहा मु आरंभ करछि तेणु से जिते बेले देह अवसान कला सेते बेले मते अभिशाप देछि आउ से अभिशाप मु मध्य ग्रहण करछि एवं मोरी उपरे समस्त दोष लदिकी से निजे अग्नि रे झास देछि तेणु कौन करा जीव तारी फल स्वरूप तारी परिणाम स्वरूप तार प्रतिकार स्वरूप मु ताकु सदा बेले अंगरे धारण करिवि कथाटी आसी कौन ना ताहले धात्री बा अंला एवं तुलसी एवं मालती ये तीन जन जाक माने प्रथमे तांकर रूप वृंदावती वृंदावतीक सत्व गुण रु हेले तुलसी जेते बेले तांकर तम गुण थिला तम गुण से भगवान कहते तेणु से तम गुण जो सी हेले लक्ष्मी अंश रु मालती एवं जिते बड़े रज गुण थिला राजसिक गुण तेरे थिला भगवान को जो राजसिक गुण परिदर्शन करते जो आसे कौन अँला अँला तेणु ये सत्व रजतम तीन गुण रु कि श्रेष्ठ गुण जो हूँ सात्विक गुण भगवान जेहेतु सात्विकर ठाकुर भगवान सात्विक को भल पाती भगवान होती शांताकार भुजग शयन तेणु भगवान कौन कले सबु देवता कहले तुलसी को मु सदा बेले धारण करी अंगरे धारण करी एठु आगु को जीवा अशेष क्षेत्र तीर्थ फल क्षण के पाइब सकल ब्रह्म हत्यादि जेते दोष पद पद के जीवनाश सुजन्य सर्वयज्ञ विधि प्राप्त हेब फल सिद्धि प्रणाम जे करीब आगे ता सर्व पाप भूमि भागे तक्षण पाप हेब नाश ता अंगे पुण्य परवेश चौराशिचि विधि मते लेपन करुथिब नित्य चौरा हेब जेते पीड़ जानीब तेते रत्न कूड़ सेते भुवने ऊर्धे आसी मोर समीपे थिबा बसी मुरु जय हेब जेते रेणु जेते संख्यारे जुग गणु मोर मंदिरे थिबा सुखे तदंते न पड़िबा दुखे संध्या समय जेऊ जन तुलसी मूले दीपदान श्रद्धारे बसाइब निते अग्निपराय तार ज्योति सुंदर हेब सबु गुणे कमला न छाड़िबे क्षणे तार कंधरे नित्य थिबा संपूर्ण धन जन हेब तुलसी आराधन बाड़ जे जेते करिब उहाड़ सेवाड़ जेत दिन थाए मो पूरे सेत दिन जाए कवल्य भुंजे थाए वसे कहमती प्रभु ब्रह्म राशि तुलसी मूल रु मूर्तिका जे घेने ऊर्धे पुंडरिका तार कलमस हे वक्षय रवि प्रकाशे रात्र प्राय तुलसी दल जत्न करे कि अबा कोमल मंजरे अथवा शुक्ल काष्टमाले मोते समर्पी एका बड़े कर्णकंठरे थिब धरि से जन मन संगे सरे तांगे न रहिब पाप गरुड़ आगे जन्ने सर्प जागृहे तुलसी कानन थिब मंदिर सन्निधान तेणु न जीव जम दूत तुम्भकु कहु अछि सत तेणु न जीव जम दूत तुमकु कहु अछि सत कौन दर्शक बंधु यार व्याख्या करी कौन बा बुझेबी आपण मान तो सब शुणी सारे मुझे बेसी किसी कहूनी पंडित महाशय को आमर बेसी समय मुझे रखुनी
कारण जगन्नाथ मंदिर रे पढ़ी समस्त को शुणे जो मैंने श्रवण करते मुझे बेसी आशा करी श्रीमुखर तांकरी से तुंड शुणिले आपण मैंने निश्चय मुक्ति साधन करेंगे मुक्ति पाइबे तेणु मुझे बेसी कहूनी एति कहि जे तुलसी वृक्ष महिमा निजे भगवान ही वर्णना करुंती नारद पृथ्वी संवाद अन्य पक्ष श्रीकृष्ण सत्यभामा शुणुंती ये सब तुलसी महिमा तुलसी मूल मैंने तुलसी वर्णना तो मानने अवर्णनीय किंतु प्रथम आम जाणी तुलसी गचटे चौरा टे जे लगाती घरे से चौरा जिते उच्च थाए से पीढ़ी पर्यंत से जन्म पर्यंत आमर भगवान मैंने पाखे स्थान मिले द्वितीय मुरुज मुरुजर वर्णना वर्णनीय जिते प्रकार जी मुरुज पकई थे कार्तिक मस चौरा मुरुजर मस विशेष भाव चारिपटे बाड़ देवा तुलसी मूल जल देवा तुलसी मूल रू जल आणिक तिलक बरी धारण करवा ये सबूर वर्णना से कर सारे तेणु मुझे अधिक किसी कहूनी आग को जीवा कौन अच्छी देखा आप आरंभ कर तुलसी काष्टी घोरी पूजारे मते लग करी कपाड़े घेनिब तिलक प्रत्यक्ष देवता से लोक से जन जीव जे हूँ मार्गे विपत्ति नथिवे दिगे तुलसी वृक्ष जे हूँ द्वारे मते देखिव तार घरे जहाँ भुवने विष्णु क्षेत्र ता अंग सर्वता पवित्र जे करे तुलसी पालन से निश्चय विष्णु बोली जान तुलसी छाय रे सश्रधे जे देव पिंड पितृ श्राधे तार सगोत्र जात कूड़े बसव आसी विष्णु आड़े मृत्यु काल रे जे हूँ जन तुलसी निकटे सय पिंडरु प्राण छाड़ी जीव से आसी मो अंगे मिशिव कहती प्रभु नारायण एथु आश्चर्य कथा शुण ता मृत पिंड दग्ध काले तुलसी काष्ट जेवा मिले दहने पकाइब नहीं ता आत्मा जीव मुख्य पाई एवं त तुलसी चरित जेते कहिलु तोते सत्य एक कथा कु पाली थीव जेवन दिने न तोलिब से कथा शुण सर्वदेव ग्रहण रविचंद्र जेवे द्वादशी संक्रांति दिने अथवा चतुर्थी संपूर्ण प्रत्यय संध्या वेले निशी अशौचे न तल तुलसी जे अवा अज्ञाने तोड़ब मोते दंडीवा दोष होब फुणी कहती व न माड़ी तुलसी समर्थे तोड़े एथु जे अन्य कार्य खंडे तान खघात मोर पिंडे बाजीवा प्राय हेब प्रास शुण हे सकल त्रिदश तुलसी दल मो निमते जे जन तोड़ अबीरते कर पल्लव तार धन्य किस कह तार पुण्य विशेष कार्तिक मास रे तुलसी सेवा करी नरे वर्षक बार मास जाकर कथा एगार मास कथा कही सारा परे कार्तिक मास रे जे सेवा करंती ता कथा कहिबा पई भगवान कहउचंती किस कहिबा सेवा तार फल नरे भगवान निजे तुलसी को महिमा कहिबाकु अक्षम होउचंती कारण कोन ये सबुर मूल निजे भगवान तुलसी को जो माने आराधना करंती गोटे भल कथा मन रखु तुलसी देहर जितेबाला पत्र जे छिंडाए कौ कौ दिन छिंडेबेनि कथाटी से भल भाव कहते यहीटा दर्शक बंधु निहाती मन रखा कथा आम तुलसी रखिले कौन हम न हम सी तो पच कथा रखिले तो निश्चित फल तार जत्नर फल आमको निश्चित मिल सन्देह ना मिली आम कौन से भाव आउ कि करना कौन ता नुह कि तुलसी पत्रटी आम चयन करू थ दर्शक बंधु तुलसी पत्र जितेबाला चयन करेंगे तोलबे जमी नख न बाजे भगवान ये सुंदर भाव में पद्म पुराण कार्तिक महात्मा उत्तराखंड कार्तिक महात्मा कहते तुलसी तोला बेले जदि नख बाजे ता मो पिंड आघात हुए तेणु तुलसी पत्र तोलबे केमी तीन थर आम ताली मारिकी प्रणामटे तुलसी पत्र चयन करवा बुढ़ा आंगुठी मझीरे वृद्ध आंगु मझीरे यही तोलवाक पड़ो आदि गोटे पत्र मझिकी जाता एमती आम विशेष कर मध्यमा अंगुकी धारण करा दरकार कितु जदि आम ना कि नख जमी न बाजे द्वितीयतः तुलसी वृक्ष जत्न जी जे प्रकार नहीं थाए भगवान तार जत्न से ही प्रकार निमक मानवाक पड़ो घर बाहर बेले जदि तुलसी मुह चाहिए जाऊँगी तुलसी वृक्ष मुख अमंगल लेस मात्र रही एथिरे तुलसी आ भल भाव मन रखुद जहाँ मन रखा गया तुलसी वृक्ष जदि दुआर अच्छा ताकू औषधीय गुण में व्यवहार करूँ पूजा गच्छ को ना काश हो तुलसी पत्र छिंडी आने घोरी पका पी दे पूजा वृक्षर ताकू नि जो वृक्ष पूजा न हुए एमती भी अच्छी उपवन में तुलसी से आपषधीय व्यवहार करें एपर्तंत तो औषधीय गुण ता देहरे कौन अच्छी से कथा एपर्तंत आसीनी
ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଆୟୁର୍ବିଜ୍ଞାନ ତାକୁ ମାନେ ଫେଲ୍ କରିପାରିବନି ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଆମର ଧାର୍ମିକ ଗୁଣ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଚାଲିଛି, ଭଗବାନ ନିଜେ ନିଜ ମୁହଁରେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁଳସୀକୁ ଶଙ୍ଖାଦାନ, ତୁଳସୀଙ୍କ ଜଳ କେବଳ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ପତ୍ର କେଉଁଦିନ ଚୟନ କରିବେନି, ଏକାଦଶୀ, ଦ୍ୱାଦଶୀ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ, ଅମାବାସ୍ୟା, ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଏ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷଙ୍କୁ ଚୟନ କରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ତ ଲେଖା ହେଇଛି ଜଳଦାନ ବିଷୟରେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କେତେକ ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏକାଦଶୀ ଦିନ ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଜଳଦାନ ଦେବା ନିଷେଧ। ତୁଳସୀଙ୍କ କଥାରେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟଟିର ମୁଁ ବୁଝେଇବି କ'ଣ, କାହିଁକି ନା ତୁଳସୀ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପାସନା କରୁଥିବାରୁ ଯେମିତି ଆମେ ଏକାଦଶୀରେ କେହି କେହି ଅନ୍ନଜଳ ଗ୍ରହଣ କରେନି, ଯେଉଁମାନେ କରୁଆ ଚୌଥ ରଖନ୍ତି ଯେମିତି ଅନ୍ନଜଳ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତିନି, ଆମର ଯେମିତି ବିଧବା ମାଆମାନେ ଏକାଦଶୀ କରନ୍ତି ଅନ୍ନଜଳ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତିନି, ଯେମିତି ପତି ପତ୍ନୀ ଯଦି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଏକାଦଶୀ କରନ୍ତି ଅନ୍ନଜଳ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତିନି, ନବରାତ୍ରି ପାଳନରେ ଯେମିତି ଅନ୍ନଜଳ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତିନି, ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଯେମିତି ଅନ୍ନଜଳ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତିନି, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଜେ ତୁଳସୀ ଉପାସନା ରଖୁଥିବାରୁ ସିଏ କୁହନ୍ତି ମୋତେ ଏଦିନ କେହି ଜଳ ଦିଅ ନାହିଁ ବୋଲି। ଅନେକ ପୁରାଣ ମତରେ ମାନେ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରୀଜୀଙ୍କ ମତରେ, ରାଜକେଶ୍ୱର ଶାସ୍ତ୍ରୀଜୀଙ୍କ ମତରେ, ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସ୍ୱାମୀ ରାମସୁଖ ଦାସଙ୍କ ମତରେ, ବିଭିନ୍ନ ପୁରାଣ, ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣ ଆଦି ମତରେ ମଧ୍ୟ, ବରାହ ପୁରାଣ ଆଦି, ଏମିତି କେତେ ପୁରାଣ ମତରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଆନୀତ। ତେବେ ମୁଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଡେରି କରୁନି, ଏବେ ମାନଗୋବିନ୍ଦ ମହୋଦୟ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଲଭିବେ କୈଲ୍ୟ ମୁକତି ଖଣ୍ଡିବେ ଅଶେଷ ବିପତ୍ତି, ତୁଳସୀ ମୂଳେ ଉଦ୍ଯାପନ ଯେ କରେ କାର୍ତ୍ତିକ ବିଧାନ, ସେ ଜନ ବୈକୁଣ୍ଠ କୁପୁରେ ଆସି ମିଳିବ ଦେହାନ୍ତରେ, ଲୀନ ହୋଇବ ମୋର ଅଙ୍ଗେ, ନୋହିଲେ ଥିବ ମୋର ସଙ୍ଗେ, ଏବେ ଶୁଣ ସୁର ଗଣେ ଧାତ୍ରୀ ଯେ ଏହି ପରିମାଣେ, ସେ ତୋରେ ହୋଇବ ଯେ ଦାସୀ ତାର ସକଳ ପାପ ନାସି, ଯଶଲ ବହିର ବିତଳେ ମୋତେ ପାଇବେ ଅନ୍ତ କାଳେ, ସେ ଧାତ୍ରୀ ଫଳ ପତ୍ର ଯୋଗେ ତୁଳସୀ ଦଳ ତହିଁ ସଙ୍ଗେ, ସାଂଖ୍ୟ ନ ଧରି ଦେବ ମୋତେ ତେବେ ସନ୍ତୋଷ ମୋର ଚିତ୍ତ, ପତ୍ର ଗୋଟିଏ ରତ୍ନମଣି ଫୁଲ କାଞ୍ଚନ ପରିମାଣି, ଏବଂ ତ ହୋଇବ ସନ୍ତୋଷ ହସି କହନ୍ତି ଋଷିକେଶ, ତେଣୁ ସେ ବୃକ୍ଷ ପତ୍ର ଫଳ ଅକାମେ ସୋକାମେ ନ ତୋଳ, ଅଶ୍ୱିନ ମାସୁ ତୋଳି ଆଣି କାର୍ତ୍ତିକ ଆଗମନ ଜାଣି, ଯତ୍ନେ ସାଇତି ରଖିଥିବ କାର୍ତ୍ତିକେ ଆହାର କରିବ, ସ୍ନାହାନେ ସର ପରେ ଲେପି ସ୍ମରଣ ମୋର ନାମ ଜପି, କଣ୍ଠରେ ଆଭରଣ କରି ଅଶେଷ ଜନ୍ମ ପାପ ହରି, ଲଭିବ ଯଶ ଶ୍ରୀ ଆୟୁଷ ଅନ୍ତେ ପାଇବ ମୋ ନିବାସ, ଧାତ୍ରୀ ଛାୟାରେ ଯେ ହୁଁ ଜନ କରିବ ଗୋବିନ୍ଦ କୀର୍ତ୍ତନ, ଦଣ୍ଡକେ ଦଶ ଯୁଗ ଲେଖି ମୋ ପୁରେ ବସ ହେବେ ସୁଖୀ, କାର୍ତ୍ତିକ ଧାତ୍ରୀ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ହବିଷ୍ୟ ଅନ୍ନ ଏକା ବଳେ, ଯେ ଜନ କରିବ ଭୋଜନ ତା ପାପ ହୋଇବ ଦହନ, ନିର୍ମଳ ହୋଇବ ଶରୀର ତେଣୁ ଅଁଳା ନାମ ତାର, କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି ଏବଂ ତ ତିନି ବନସ୍ପତି, ଯେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ତିନି ଗୁଣେ ତ୍ରିପୁରା ଆଜ୍ଞା ପରମାଣେ, କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି ଏମନ୍ତ ତିନି ବନସ୍ପତି, ଏମନ୍ତ ତିନି ବନସ୍ପତି, କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା, ତିନି ବନସ୍ପତିଙ୍କ କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସରିନି। ତୁଳସୀଙ୍କ ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିସାରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷର ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ ସେ କରୁଛନ୍ତି, ଅଁଳାର ବୃକ୍ଷର ଫଳ କେମିତି ଏବଂ ଯାହା ଶୁକ୍ଳବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ତାର ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଯିଏ ତୁଳସୀଙ୍କ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଡାଳ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ରଖିଲେ ତାହା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଲା ଭଳି ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲା ଭଳି ଲାଗିବ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଯେଉଁ ଅଁଳାର ଛୋଟ ଡାଳ ବା ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତୁଳସୀ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପତ୍ର ଚୟନ କରାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ତା'ର ପ୍ରମାଣ ବା ତା'ର ଉଦାହରଣ ଆମକୁ ଦେଖାଇଦେଲେ, ତୁଳସୀ ଆଶ୍ୱିନ ମାସରୁ ତୋଳିକି ପତ୍ର ରଖିଥିବେ ଏବଂ ସେଇ ପତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୁଖିଯିବ ବା ଗୁଣ୍ଡ ହୋଇଯିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଟିକେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତୀମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଲେଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଆଗକୁ ଆମେ ଯିବା, କ'ଣ ଏଥିରେ ଅଛି ମାନଗୋବିନ୍ଦ ମହୋଦୟ? ଅଁଳା ତୁଳସୀ ମାଳତୀ ଏତିନି ମୋର ପ୍ରିୟବତୀ, ବିଶେଷ ତୁଳସୀ ପ୍ରଧାନ ସଂସାରେ ମୋହରି ସମାନ, କ
कहंती प्रभु नारायण मोठारु श्रेष्ठ बोली जान तुलसी दल मते पूजी तुलसी घेनी मते भजी तुलसी देव मोर सिरे प्राण सेवी बा मोर पूरे एकता तुम्बे भले जान ब्रह्मादि मुनि सुर गण जक्ष राक्षस नर नागे से ज्ञान दाता दस दिगे पार्वती आदि स्त्री गणे सर्वे मो आज्ञा परमाणे तुलसी सेवा करी इच्छा जेवा लभिब मन वंचा जे तोरे हेब अपराधी तार नगच्छे कर्म सिद्धि कहिबा सुन सर्व देवे मु ताकु माया कली जेवे से दोष विचारी मनरे रहिली पर्वत आकारे ए देहे अछि से ही रूप सती विघाते हेब पाप से पाप वज्र कीट रूपे मो देह काटुथिबे कोपे सहस्र संवत्सरे शिला गंडुकी शिले हेबे मेला से विष्णु शिला मोर मूर्ति पूजा करिब विप्रजति तुलसी दले पूजा करी भव सागरु हेब पारे मे मोर कला कर्म गुण कहंती प्रभु नारायण एवे सकल देव चली आम्भ वचन प्रतिपाली तुलसी महिमा जगते विस्तार करी जे झामते एवं त विष्णु आज्ञा घेनी अति आनंदे सुर मुनि विष्णु चरणे पूजा कले जे जहा भुवन कु गले पृथकु कहंती नारद जे विष्णु लोकर संवाद एणु ये तुलसी महिमा वचने कि देवा उपमा विष्णु क एड़े प्रिय फूल संसारे नाही तांक तुल केवल स्नान सारी तोली तेणे संतोष वन माली केवल स्नान सारी तोली तेबे संतोष बन माली केते सुंदर कथा तुलसी को वर्णना माने एठी गोटे सुंदर कथा आसला वज्र कीट द्रष्ट होउछंती महाप्रभु जहाँ शालग्राम रूपक कथा से अध्याय दर्शन करदे जेतेबेले तुलसी मते अभिशाप देले सेतेबेले मु पहाड़ भली जाइली पत्थर भली जाइली स्थाणु हो जाइली एबे गंडुकी तीर भगवान जेतेबेले शालग्राम रूप रहिबे से तुलसी मध्य तांको जे सेवा करिबो एमाने तांको कीट द्रष्ट रहिबे मु मध्य तांको ग्रहण करछि समस्त कथा भगवान निजे निज मुखरे एति पई ए पद्म पुराण भगवान को निज पद्म मुखरु एहा निसृत तेणु एहाको नाम पद्म पुराण पुणी पद्म पुराणर उत्तरखंड रे भगवान तुलसी कथा एवं अलाक कथा कहते हैं मालती कथा यही प्रसंग में आमर जहाँ पंचदश अध्याय ता निजे भगवान वर्णना कर असुचि बेड़े जेवे छुई दिनक धर्म क्षय जाई स्नान न करी आन पुष्प तोड़िले सर्वदेव तोष स्नान न करी तोड़ जेवे पूजार फल नाही तेवे दिने क धर्म हुए क्षय भस्म कूढ़ घृत प्राय एवं त पुष्पक चयन धात्री तुलसी विद्यमान जे ताहा विष्णु प्रीति करे शिर हृदय नहीं धरे तार दूरित नाश हेड़े अल्प अग्नि जेने जले एक अटई प्रमाण हे राजा सावधाने सुण तुझे पूछिलु शुद्ध मती तुलसी काहू तपति से कथा कहली संक्षेपी से धर्म सर्वलोक व्यापी जे यहा सुणंती श्रवणे प्रस्ताव वाक्य मुख्य भणे से ही लभई मुख्य गति कार्तिक व्रत फल श्रुति केवल न करी संशय निंदिले महापाप हुए एकता सर्वे शास्त्र मत अंबुज पुराणे उकत उत्तर खंडे विष्णु नीला संसार सागर कुहेला कहई महादेव दास भवि प्रकम विलास तांक चरण परसारे पद प्रसारे मोर हृदय कहई साधु जन आगे सुजने सुण अनुरागे इति श्री पद्मपुराणे उत्तराखंडे कार्तिक महात्म्य वर्णने तुलसी महिमा कथने नाम पंचदश अध्याय दर्शक बंधु पंचदश अध्याय रे संपूर्ण भाव रे तुलसी को महिमा वर्णन रे अध्याय टिकु संत महादेव दास वर्णिता कले केते सुंदर कथा तुलसी वृक्ष उपासना तुलसी मूलरे दीपदान तुलसी को पूजन अन्य जत्ते पुष्प अच्छी आम नगा देकी तोली पारिबा किंतु तुलसी वृक्ष पत्र बिना अगा धुआरे माने नगा देकी केबे हेले चयन करिबे नाही कि स्पर्श मध्य करिबे नाही तुलसी वृक्ष पत्र बा तुलसी को स्पर्श स्नान परे ही करा जाए जेउ माने अगाधुआ अवस्था रे तुलसी वृक्ष को स्पर्श करती
ଜାଣତରେ ହେଉ ବା ଅଜାଣତରେ ହେଉ ଦେଖିବେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ସେ ତୁଳସୀ ନାରାୟଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯାଆନ୍ତି ଆଉ ସେ ଗଛ ଉଦାନ୍ତିନି। ତେଣୁ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ଅତି କୋମଳ ବୃକ୍ଷ ଅତି ମାନେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ତ ପ୍ରିୟ ବୃକ୍ଷ। ଏ ଭଗବାନ ଏ ସବୁ ବିଷୟରେ ତୁଳସୀଙ୍କ କଥା କହିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଆଉ ମୁଁ ଅଧିକ ଏକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିସାରିଲେଣି। ଯାହାପରେ ପୁଣି ଆମେ ଯିବା ଆମର ଷୋଡ଼ଶ ଅଧ୍ୟାୟକୁ। ତେଣୁ ଆଜି ବାଣୀକି ଆମେ ଏଇଠି ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।